Indian spices has always been a great interest of food lover around the world. Indian spices not only known in India to enhance the food flavor and taste, but also used around the world in various cuisines, especially exotic dishes. In India, haldi or turmeric is the main and important part of Indian diet. हम अपने खाने में हल्दी का इस्तेमाल करते ही हैं, बट शायद ये बहुत कम लोगों को पता है कि हल्दी रिसेंटली साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक, एंटी जर्मिसिडल और एंटीवायरल और बहुत सारी सिमिलर मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। हल्दी एक बहुत अच्छा इम्यूनो बूस्टर भी है। इवन वी हैव सीन दैट कि हमारी दादी नानी माँ कई बार चोट लग जाने पर हल्दी वाला दूध हमें दिया करते थे। आजकल ये हल्दी वाला दूध कनाडा कंट्री के नाम पेटेंट हो चुका है। आज की वीडियो में भी हम हल्दी से बनी हुई एक अमेजिंग सी टी की रेसिपी जानेंगे, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि ये हल्दी की टी कैसे हमारे इम्यूनो सिस्टम को बूस्ट कर सकती है और कैसे हमें बीमारियों से बचा सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। हल्दी से चाय बनाने के लिए यू जस्ट नीड 1 लीटर ऑफ वाटर। इसके बाद आपको 20 से 30 ग्राम रो हल्दी के टुकड़े लेने हैं, या अगर आपको रो हल्दी के टुकड़े आसानी से ना मिले तो आप घर पर पिसी हुई हल्दी का पाउडर भी सेम क्वांटिटी यानी 20 से 30 ग्राम ले सकते हो। इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको जस्ट सिंपली बॉइल करते हुए याद रखना है कि आपको 30 मिनट तक ही इसे उबालना है। उबालने के बाद जैसे ठंडा हो जाता है, इसमें 1 टेबल स्पून आपको लेमन जूस ऐड करना है और इसके बाद आप इसे बिफोर ब्रेकफास्ट डेली ले सकते हो। ये आपका वेट कम करेगा, प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों को ठीक करेगा और इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह काम करेगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।